नदरी
सतगुरु के आसरे तरिया जा सके। ये जहर वर्गा संसार ये जो निकलना है तो फिर सतगुरु का आसरा लेना पड़ेगा। इस अगर जेड़ा ना जहर रूपी ये सतगुरु रूपी बेड़ी है, उस बेड़ी पर चढ़ना पैना, सतगुरु की शरण चाहना पैना। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर दो, बख्शिश कर दो, तेरे को आ गए हैं, वो बुद्ध बख्श समाप्त बख्श सब कैसी संसार भवजन तो पार उतर सकते। संसार बड़े रंग दिखाता है, ये माया बड़े रंग दिखाती है, झुलाने दिखती है माया, वक् वक् रूपा चाहती है, साढ़े मन में डिस्टर्ब करने आती माया, साढ़े मन में माया डिस्टर्ब करने आती है, पर अपना मन जेड़ा है वो स्वस्थ रखना है, उन्हें हिलन नहीं देना। सतगुरु की कृपा न हो सकता है, जिस तरह मर्जी बाहर की बाहर का वातावरण जिदा मर्जी हो गए, बाहर की मूवमेंट जिदा की मर्जी हो गए, पर मन जेड़ा है वो नहीं है, तो गुरमुख कहाया जा सकता है। बाहरों बॉडी जिहड़ी है वक्रे वक्रे जिहड़ियां वख वख सानू चीज़ां महसूस होंदियां ने, कदी दुख है कदी सुख है, कदी पुस्तत है कोई निंदिया है, इन्हां चीज़ां चों मन कितना स्वस्थ रह सकता है। मन डुल जांदा है, मन हुलारे खांदा है, लेकिन सतगुरु के चरणों च बेनती करो, सतगुरु कृपा करो, बख्शिश करो, इस मन में डोलन ना दे, इस मन में स्वस्थ रखा है, कृपा करो। सतगुरु फरमान कर रहे हैं, पवन चुलारे माया दे, पवन चुलारे
ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਫਰਮਾਨ ਕਰ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
क्योंकि जिथे साड़ी सियाणप है उथे मैं हां, जिथे एफर्ट्स है उथे मैं हां, ते जिथे मैं हां उथे परमेश्वर है। जे मैं हां तो परमेश्वर नहीं है। जिन्ना भी कुछ सोच ले कि मैं वध तो वध ध्यान लगा लांगा, ध्यान लगना नहीं, ध्यान उहदी कृपा द्वारा लगना। जदों उहदी बख्शिश होई उदों ध्यान लगना, उदों मन जुड़ना, जदों उहदी बख्शिश हो गई, उहदी रहमत हो गई। जिथे भगती च बैठना उस तो पहलों समझना पएगा। जे समझा नहीं तो भगती च बैठे मन नहीं जुड़ता। जे बाणी नूं समझिया नहीं तो भगती च बैठा मन नहीं जुड़ता, क्योंकि सावधानता नहीं होती, क्योंकि पता नहीं लगता करना की है। मन नूं कंट्रोल कितना करना, मन नूं देखना कितना, वो नहीं पता लगता। जदों तक गुरु का ज्ञान ना हो, गुरु की बाणी सानूं ज्ञान दिंदी है कि किस तरह जुड़ना कोई भगती च। गुरु गाइड करते हैं सानूं, गुरु का काम ही यही गाइड करना। गुरु ने पहचा देना, गुरु ने दसना कि तेरे अंदर परमात्मा है, बाहर परमात्मा नहीं है। गुरु ने यह दसना है कि तेरे अंदर परमात्मा है, तू परमात्मा की जोत है, वह तो वखरा नहीं है तू। असं अपने आप को जीव बना के बैठे हुए, गुरु ने सानू उजागर कर देना है। गुरु का यह काम, गुरु ने सानू उजागर कर देना है। गुरु के वचन जेड़े उन्होंने उजागर करने, गुरु के बचना सानू शीशा दिखा देना, सानू सामने सच दिखा देना है कि तेरे अंदर है वो बैठा। उन्हें रिलाइज कर, सिर्फ मूंह तो ना जा, सानू कहते हैं सिर्फ रसना ना जपी ना जा, ध्यान कर। ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान ध्यान लाना बहुत जरूरी है। कोशिश असं करते हैं, बैठते हैं, लेकिन कृपा ओहदी होनी है, बख्शिश ओहदी होनी है। जदों ओहदा ज्ञान मिलेगा, वह समझ जाएगी कि वाकई की उहनूं बार बार असीं चेते च रखांगे, ओहदे चरणां कमलां दा बार बार ध्यान करांगे, प्यार चाहांगे, ते फिर आपे कृपा हो जाणी है। फरमान कर दे रहे सतगुरु जी, हाँ फिरो उदासी मैं इक रतन हाँ फिर उदासी मैं रतन निर्मोल हीरा मिले ना निर्मोल शरीर है वह हरिमंदर है, जिद जोत टिकी हुई है वह हरिमंदर है। सेम इस तरह का जोड़ा वो दर्शन करते आप, सा शरीर हरिमंदर है। जो कुछ अपने मूँह के द्वारा असं अंदर पाने वह हरिमंदर च पहुँचता है। की पाने असं मूँह सोचना पेगा, असं मूँह च अपने की पा रहे वह हरिमंदर च जाएगा। असं अपने कन्ना द्वारा की पा रहे हरिमंदर च जाएगा। असं अपने अखा द्वारा की देखते हैं वह हरिमंदर च जाएगा। असं विचार कि मन च माड़े विचार तो नहीं लिया, हरिमंदर च जाएगा वो विचार। जिहड़ा भी विचार लियावे हरिमंदर च जाएगा। साढ़े कन च कोई की पा रहा है बार बार, हरिमंदर च जाएगा, हरिमंदर च जाएगा वो हरिमंदर। साढ़े हरिमंदर च कोई माड़ी चीज सुट सकता है, असं रोकेंगे नहीं उन्होंने कि ऐ ना करो, साढ़े हरिमंदर च माड़ी चीज ना पाओ। इस करके सतगुरु कृपा कर, इस हरिमंदर च पाणी रवे, इस हरिमंदर रूपी हिरदे च सदा पाणी टिकी रवे, गुरु टिके रह, ऐसी बख्शिश हो। फरमान कर रहे सतगुरु जी, हर
का मंदिर इसमें लाल हर का मंदिर इसमें लाल खोले आप पर्दा देख पई निहाल गुर खोले आप पर्दा गुरु साहब ने बाणी जो सुनाई पर्दा खोलता माया का पर्दा खोल दिता माया ने परे करता जिवें तालाब के उत्ते काई जमी हो जे असी पानी स्वच्छ पीना निर्मल पीना है तो फिर असी वो काई को हाथ ना पिछे कर देना जो काई को पिछे कर दे स्वच्छ पानी निकल आता है निर्मल पानी निकल आता है उदा गुरु साहब पर्दा खोल दिते ने संसार का निरंकार का भेद दस देंगे दे। असल च है कि वो जो पर्दा खोलते हैं ना समझ आती है जिनी देर समझ नहीं आएगी उन्नी देर बख्शिशा नहीं होती मान कर लेते हर का जिन्हें
प्रभु अब नसी तो है।